हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल एनालिसिस। ये आपको बीकॉम फोर्थ सेम या फिर कई बैंकिंग एग्जाम साथ साथ कॉमर्स के कोर्सेज में ये चैप्टर आपको देखने को मिल जाता है। तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने गाइस टेक्निकल एनालिसिस का चैप्टर वो डिस्कस किया था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसकी SAPM की सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो की जो ये बुक है जिसमें से मैं आपको चैप्टर करवा रही हूँ, उसका सारा मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो दैट वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ साथ मैंने सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए हैं, आप प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक कर लेना। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गाइज, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड इस वीडियो को लाइक कर दें। तो गाइज, आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले गाइज, हम चैप्टर कर रहे हैं जिसका नेम है फंडामेंटल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है, कि मतलब व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल एनालिसिस, के फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग ए सिक्योरिटी बाय अटेम्प्टिंग टू मेजर इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू थ्रू कंबाइनिंग इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस एंड बाय एग्जामिन रिलेटेड इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड अदर क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव फैक्टर्स। मतलब जो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, ये आपको साइड में बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें से आपको पढ़ा रही हूँ। ये जो डेफिनेशन है काफ़ी ईजी है, तो आप इसे ज़रूर कर सकते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी भी सिक्योरिटी को, जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो हम किसी भी सिक्योरिटी को, चाहे वो शेयर हो, बॉन्ड हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, ठीक है, उस सिक्योरिटी को हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे किसके थ्रू, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि क्या हमें ये रिटर्न दे रही है, या फिर हम जो इससे चाहते हैं, इस सिक्योरिटी से हमें वो चीज़ मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या क्या यूज़ करते हैं कि हम एनालाइज कर सकें एक किसी सिक्योरिटी को, या इवेल्युएट कर सकें, मतलब क्या वो हमें जो हम उससे चाहते हैं, रिटर्न चाहते हैं, या कुछ भी उस सिक्योरिटी से हम चाहते हैं, हमें जितना जिस तरीके से हम उसे चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम उससे रिटर्न चाहते हैं, क्या हमें उतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। ये हम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के क्या करेंगे। अब गाइस, आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, उसकी भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी या आई बटन में भी आ रहा होगा, तो आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस, इसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस में क्या करते हैं, किसी सिक्योरिटी को इवेल्युएट करते हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के, जिसमें हम इकोनॉमिक, इंडस्ट्री और कंपनी का एनालिसिस भी यूज़ करते हैं, जिससे हम क्या कर सकें, एक सिक्योरिटी को हम इवेल्युएट कर सकें, ठीक है। अब गाइस, हम पढ़ने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ जाता है टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये लॉन्ग टर्म नेचर होता है, और साथ में हमें ये बताता है व्हाट शुड डू, मतलब कि हमें बताता है अगर हमें डिज़ायर्ड क्या है, कि हमें डिज़ायर्ड रिटर्न नहीं मिल रहा है किसी भी सिक्योरिटी से, तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले उसे इवेल्युएट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक्स के पास 100 शेयर्स हैं या कोई भी सिक्योरिटी है किसी कंपनी की, ठीक है, वो चाहता था मुझे 10% रिटर्न है, बट उसे नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेगा एंड मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसे क्या करेगा, कंपेयर करेगा। अब ये मार्केट वैल्यू के साथ कैसे कंपेयर करेगा, वो भी मैं इस वीडियो में आगे आपको बताती हूँ, तो बने रहिएगा। तो इस तरीके से वो करेगा, ठीक है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू पहले निकालेगा, उसके बाद मार्केट वैल्यू के निकाल के वो दोनों को एनालाइज करेगा, क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर गाइस जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ज़्यादा होती है मार्केट वैल्यू से, तो वो पर्सन उस सिक्योरिटी को बाय करेगा, बट अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है मार्केट वैल्यू से, तो उस सिक्योरिटी को वो क्या करेगा, फटाफट से सेल कर देगा। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल होती है, फॉर एग्जांपल दोनों 100-100 हैं, तो वो ना उसे बेचेगा ना उसे खरीदेगा, ठीक है। ये हो गया, ये मैं आपको आगे भी बढ़ाती हूँ। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा टू एस्टिमेट स्टॉक प्राइस। फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प करता है एक इन्वेस्टर की
या एक पर्सन की कि वो स्टॉक के प्राइस को क्या कर सके, एस्टिमेट कर सके, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेज हैं उसे क्या करता है, स्टडी करता है, वो इकोनॉमी को भी स्टडी कर रहा है, क्योंकि जो ये फंडामेंटल एनालिसिस है वो लॉन्ग टर्म इन नेचर है। लॉन्ग टर्म इन नेचर होने के कारण हमें क्या होता है, इकोनॉमी का पता चल जाता है, ठीक है, इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें हैपन होने वाली हैं। तो इस तरीके से हमें क्या होता है, अगर हम इसमें हम बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस में हम तीन चीज़ें देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इंडस्ट्री का एनालाइज करते हैं, और उसके बाद वर्क करते हैं हम कंपनी का एनालाइज। थर्ड गाइज, इसका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा टू सेलेक्ट राइट टाइम एंड राइट सिक्योरिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव, फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव पता क्या है, किससे हमें ये पता चलता है कि क्या सही समय है एक सही सिक्योरिटी को बाय करने के लिए। मतलब कि मान लो एक कोई भी कंपनी है, उसका शेयर मैं कब खरीदूं, क्या जब उसकी हाई वैल्यू जाएगी या कम जाएगी, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस हमें ये बताते हैं कि कब हमें किस समय एंड क्या हमें कौन सी राइट जो हमारे लिए बेस्ट होने वाली है सिक्योरिटी, उसे हम बाय करें राइट टाइम में, मतलब राइट टाइम में हम बाय करें राइट सिक्योरिटी को इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो ये गाइज हो गए इसके ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट गाइज हम पढ़ते हैं फेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। इसके तीन फेजेस आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहला फेज आएगा कि इसमें आप क्या करोगे, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक को क्या करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, स्टडी करोगे। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी के लेवल पे चले गया ये, ठीक है। सबसे पहले आप इकोनॉमिक एनालाइज करोगे। सेकंड, आप क्या करोगे, एक किसी आप इंडस्ट्री को क्या करोगे, अब इंडस्ट्री को एनालाइज करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इकोनॉमी को एनालाइज करोगे, जिसको हम इकोनॉमिक एनालिसिस कहते हैं। दूसरा आप क्या करोगे, इंडस्ट्रीज को एनालाइज करोगे, जो फर्म से, जो कंपनी के आप सिक्योरिटीज़ खरीदना चाहते हो उस फर्म से क्या करती है, बिलोंग करती है, इसे हम कहते हैं इंडस्ट्री एनालाइज। और थर्ड गाइज आ जाएगा कंपनी एनालाइज। मतलब सबसे पहले फंडामेंटल एनालाइज में तीन फेजेस होते हैं। सबसे पहले होता है इकोनॉमिक एनालिसिस, दूसरा होता है हमारा इंडस्ट्री एनालिसिस, एंड थर्ड होता है हमारा कंपनी एनालिसिस। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कौन सा एनालिसिस करोगे, इकोनॉमिक, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा कंपनी, ठीक है। मतलब इसे आप कह सकते हो, अगर आपको पेपर में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, EIC एनालिसिस, आपको सीधा अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो पूछ सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस का। वैसे ये 15 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस में, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है एंड टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। अगर ये अकेला पूछेंगे तो आपको घुमा के क्वेश्चन मोल्ड करके ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय EIC अप्रोच, मतलब इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड कंपनी अप्रोच, ठीक है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, इसमें तीन फेजेस होते हैं, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड कंपनी, राइट। सो गाइज अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वो है अप्रोचेस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। अगर गाइज इसका 15 मार्क्स का अकेला क्वेश्चन आया, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल एनालिसिस, राइट, एंड राइट सम अप्रोचेस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो अप्रोच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। अगर मैं इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करूँ तो वो है आपके फंडामेंटल एनालिसिस। ये आपके 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं, बट अगर 15 मार्क्स में आया तो जो मैं आपको करा रही हूँ इस वीडियो में, जितना मैं आपको कराऊंगी, ये 15 मार्क्स में आपको ये लिख के आना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं गाइस अप्रोचेस। इसके बेसिकली दो अप्रोचेस है, तो दोनों अप्रोचेस को पढ़ते हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस पहले अप्रोच का नाम है टॉप डाउन अप्रोच। अब टॉप डाउन अप्रोच देखते हैं, दो अप्रोचेस मैंने जैसे आपको बताए, पहला है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा है बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। दोनों मतलब कह सकते हो कि एक दूसरे का रिवर्स है, अगर एक समझ आएगा तो दूसरा समझ आ जाएगा, ठीक है। आराम से अगर ध्यान से आपने एक को समझना है, एक को समझोगे तो दूसरा आराम से समझ आने जाने वाला, क्योंकि दूसरा एकदम अपोजिट है, ठीक है। तो एक मतलब वीडियो को बिल्कुल मत स्किप करना, आराम से ये सारा देखना, क्योंकि अगर आपको एक अप्रोच समझ आ गया दूसरा तो आराम से आ जाएगा, मतलब एकदम जैसे मैंने आपको कहा एकदम उल्टा है। तो सबसे पहले टॉप डाउन अप्रोच, हियर फाइनेंशियल एनालिस्टिक। यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि जो फाइनेंशियल एनालिस्टिक होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वो क्या करता है कि वो फोरकास्ट बनाता है। मतलब वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को लेता है इकोनॉमी के, ठीक है, देन क्या लेता है इंडस्ट्री के फैक्टर्स को लेता है, देन क्या लेता है कंपनी के फैक्टर्स को, सभी का क्या करता है एनालिसिस करता है। जैसे मैंने आपको बताया EIC अप्रोच भी कहा जाता है इस अप्रोच को, टॉप डाउन अप्रोच को। आप लिख लो अपनी नोटबुक में कि टॉप डाउन अप्रोच को हम EIC अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले जो फाइनेंशियल एनालिस्टिक होता है आपका,
एनालिस्ट होता है वो क्या करता है, सबसे पहले इकोनॉमी का एनालाइज करता है, फिर इंडस्ट्री का एनालाइज किया जाता है, और फिर कंपनी का एनालाइज किया जाता है। ठीक है, जो इंडस्ट्री का एनालाइज होता है वो किस पे बेस्ड पे होता है, इकोनॉमी पे। ठीक है, एंड जो कंपनी जो इंडस्ट्री फोकस आर बेस्ड ऑन फोरकास्ट फॉर इकोनॉमी, जो इंडस्ट्री का फोरकास्ट होता है वो किसके बेस्ड होता है, किसके फोरकास्ट पे बेस्ड होता है, इकोनॉमी के। और जो इकोनॉमी का और सॉरी जो कंपनी का एनालिसिस होता है वो किस पे बेस्ड होता है, इंडस्ट्री पे। ठीक है, अब गाइज मैं आपको एक चार्ट दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो इसमें। गाइज देखो, सबसे पहले यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच में सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है इकोनॉमिक एनालिसिस। अब यहाँ पे जो इंडस्ट्री एनालिसिस आप एरो देख रहे हो ना, इकोनॉमिक एनालिसिस का एरो आ रहा है इंडस्ट्री एनालिसिस की तरफ, मतलब जो इंडस्ट्री एनालिसिस है वो किस पे डिपेंड है, इकोनॉमिक एनालिसिस पे। और जो कंपनी एनालिसिस है वो किस पे डिपेंड है, इंडस्ट्री एनालिसिस पे। ठीक है, सबसे पहले कंपनी एनालिसिस पे किस पे डिपेंड है, उसके ऊपर वाले पे, इंडस्ट्री एनालिसिस पे। और इंडस्ट्री एनालिसिस के ऊपर वाला कौन है, इकोनॉमिक एनालिसिस। मतलब इंडस्ट्री एनालिसिस किस पे डिपेंड है, इकोनॉमिक एनालिसिस पे। मतलब टॉप डाउन अप्रोच में जो सबसे पहले आपको तभी कहा जाता है ना, EIC अप्रोच है ये, मतलब इकोनॉमिक इंडस्ट्री एंड कंपनी अप्रोच भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका जो इकोनॉमिक एनालिसिस होगा, उसके बाद आपका इंडस्ट्री का एनालिसिस तभी होगा जब आप इकोनॉमी को एनालाइज करोगे, और कंपनी का एनालाइज करना है तो इंडस्ट्री का एनालिसिस पहले करना ज़रूरी है। ठीक है, तो जो टॉप डाउन इन्वेस्टर होते हैं वो अपना एनालिसिस कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक, मतलब पहले इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं जिसमें आपका इंटरनेशनल और नेशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे GDP ग्रोथ रेट आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, इंटरेस्ट रेट आ जाता है, या एक्सचेंज रेट एक्सेट्रा आ जाता है। देन जो इन्वेस्टर होता है वो इंडस्ट्री एनालाइज करता है, और लास्ट में वो क्या करता है, कंपनी एनालिसिस। और कंपनी एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियो आ जाती है, कैश फ्लो एनालिसिस आ जाता है। तो अगर आपको ये 5 मार्क्स में भी आ जाते हैं तो आपको, मतलब ये जैसे मैंने आपको समझाया इस तरीके से आपको लिखना है, और साथ में जो छोटा सा आपको फ्लो चार्ट दिखाया ना डायग्राम सा, वो भी आपको बना के आना है। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अप्रोच की तरफ जो आपका है बॉटम अप अप्रोच। जैसे ये था EIC अप्रोच, और जो सेकेंड बॉटम अप अप्रोच है इसे हम कह सकते हैं CIE अप्रोच। मतलब इसमें आप, अगर मैं आपको, मैंने पहले कहा ना आपको एक समझ आएगा दूसरा समझ आएगा, इसमें जो था बस आपको ये याद रखना है, इकोनॉमी आपकी नीचे आ जाएगी थर्ड नंबर पे, और जो आपकी इकोनॉमिक एनालिसिस थर्ड नंबर पे आ जाएगा, और थर्ड वाला कहाँ चल जाएगा, फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, पिछले वाले अप्रोच में आपने देखा था इकोनॉमिक पहले नंबर पे था, और बॉटम अप्रोच में क्या होगा, इकोनॉमिक लास्ट में चला जाएगा। और पीछे वाले टॉप डाउन अप्रोच में आपका कंपनी एनालिसिस लास्ट पे था, वो नेक्स्ट अप्रोच में क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। मतलब यहाँ पे जो इंडस्ट्री एनालिसिस है वो किस पे डिपेंड है, कंपनी एनालिसिस पे। पिछले वाले पे किस पे था, इकोनॉमिक एनालिसिस पे। और यहाँ पे मतलब बॉटम अप अप्रोच में जो इकोनॉमिक एनालिसिस है वो किस पे डिपेंड है, इंडस्ट्री एनालिसिस पे। ये आप चार देख पा रहे हो जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना इसे। तो सबसे पहले जो कंपनी, सबसे पहले आप जो इन्वेस्टर है वो क्या करेगा, कंपनी का एनालाइज करेगा। जब वो कंपनी का एनालाइज हो जाएगा तभी हम क्या कर सकेंगे, इंडस्ट्री का एनालाइज कर सकेंगे। क्योंकि अगर कंपनी का एनालाइज नहीं होगा तो इंडस्ट्री का एनालाइज नहीं हो पाएगा। मतलब जो इंडस्ट्री एनालिसिस वो किस पे डिपेंड है, कंपनी एनालिसिस। और जो हमारा इकोनॉमिक एनालिसिस है वो तभी होगा जब इंडस्ट्री एनालिसिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइजेस होते हैं मार्केट के, उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस, और वन जस्टिफाइड बाय इट्स फंडामेंटल। अगर हम फंडामेंटल वैल्यू को देख के उसका मार्केट, किसी सिक्योरिटी का क्या करते हैं, उसका प्राइस निकालते हैं, उसके फंडामेंटल्स को देख के उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होगी मार्केट वैल्यू से तो हम उसकी सिक्योरिटी को क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगी मार्केट प्राइस से तो हम उस सिक्योरिटी को क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल होगी मार्केट वैल्यू के तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, बाय भी नहीं करेंगे और सेल भी नहीं करेंगे। ठीक है गाइज, ये हो गया दूसरा अप्रोच। अब गाइज हम आगे बढ़ते हैं, अब हम करने वाले हैं एडवांटेजेस या फिर स्ट्रेंथ्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। तो करते हैं और लास्ट में हम करेंगे वीकनेस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं एडवांटेजेस या फिर स्ट्रेंथ ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, पहला आपका एडवांटेजेस या स्ट्रेंथ आ जाएगी लॉन्ग टर्म ट्रेंड। मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले ही आपको बताया था कि जो फंडामेंटल एनालिसिस वो क्या है, हेल्प करता है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, लॉन्ग टर्म इन नेचर है, मतलब लॉन्ग टर्म हमें क्या करता है, ये
अच्छा काम करता है, मतलब लॉन्ग टर्म अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा समय के लिए हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हम फंडामेंटल एनालिसिस क्या क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी ये बढ़िया हो जाती है। ठीक है, दूसरा आ जाएगा वैल्यू सपोर्टिंग। जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो हमारी हेल्प करती है कि हम उन कंपनी को आइडेंटिफाई करें, उन कंपनीज़ को पहचानें जिनकी गुड वैल्यू है। अगर उनकी गुड वैल्यू होगी तो उनकी सिक्योरिटीज़ भी अच्छी होंगी और रिटर्न भी अच्छा आएगा। उसके बाद आएगा बिजनेस एक्रूमेंट। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस बट लेस टेंजिबल रिवॉर्ड जो है, मतलब काफ़ी ऑब्वियस जो रिवॉर्ड है फंडामेंटल एनालिसिस, वो है डेवलपमेंट ऑफ थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस। क्योंकि अगर हम बिजनेस की समझ आ जाएगी, ठीक है, कंपनी की समझ आ जाएगी, तो हमारी जो सिक्योरिटी होगी वो भी अच्छी तरीके से क्या करेगी, ग्रो करेगी। फोर्थ आ जाएगा वैल्यू ड्राइवर्स। वैल्यू ड्राइवर्स क्या हो जाएगा, अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ करेंगे तो जो इन्वेस्टर है वो क्या कर सकेगा, उसे एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि जो जो फैक्टर्स हैं वो उसे क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू, मतलब जो फैक्टर्स हैं जो उन्हें वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इन्वेस्टर को पता चल जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी में या कंपनी में कौन कौन से वैल्यू की ड्राइवर्स हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ करके। तो गाइज, अभी आप देख सकते हो मैंने आपको एडवांटेजेस करा दिए हैं, आपको क्वेश्चन एडवांटेजेस या फिर स्ट्रेंथ करके भी क्वेश्चन आपको आ सकता है फंडामेंटल एनालिसिस का। तो गाइज़, अब नेक्स्ट करते हैं वीकनेस या फिर इसे डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं, वीकनेस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे पहले आएगा टाइम कंस्ट्रेंट। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी या कितनी बार बता चुकी हूँ इस वीडियो में, कि जो आपका फंडामेंटल एनालिसिस है वो लॉन्ग टर्म इन नेचर है। मतलब इसमें क्या होता है, ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके लिए ये बेस्ट होने वाला है। बेस्ट होने के साथ साथ गाइस, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि जो फंडामेंटल एनालिसिस का जो नेचर होता है, ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन नेचर होता है। लॉन्ग टर्म के कारण जो इसका जो प्रोसेसेस होते हैं या फिर अप्रोचेस होते हैं, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म इन नेचर होते हैं, जिससे जो हमारा टाइम है वो काफ़ी वेस्ट होता है, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। सेकंड आ जाता है इंडस्ट्री या कंपनी स्पेसिफिक। इंडस्ट्री या कंपनी स्पेसिफिक में क्या आ जाता है, क्योंकि हम फंडामेंटल एनालिसिस में हम अगर एक ही अप्रोच हर कंपनी में अगर लगाएंगे, जैसे इसमें दो अप्रोचेस हैं, एक ही मान लो अप्रोच हम लगा रहे हैं 10 कंपनीज में, वो 10 कंपनी कोई ऑयल की कंपनी है, कोई फूड की कंपनी है, डिफरेंट डिफरेंट नेचर है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है, एंड जो कंपनी का वैल्यूएशन की टेक्निक है वो भी डिफरेंट है। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी में हम एक ही तरह का अप्रोच लगाएंगे। अगर दोनों सभी में रिजल्ट्स अलग अलग आ सकते हैं जो अप्रोच लगा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो एकदम सही हो, क्योंकि अगर कंपनीज़ का नेचर डिफरेंट है तो उनका परफॉर्मेंस भी डिफरेंस है। ठीक है, मतलब एक मान लो आप फूड की कंपनी है और एक ऑयल की कंपनी है, अब दोनों में अप्रोच लगा रहे हो, ज़रूरी नहीं है वो उसकी बेस्ट जो रियल पिक्चर है वो क्या होगी, शो होगी इस एनालिसिस से। ठीक है गाइस, एक तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। उसके बाद सेकंड आपकी वीकनेस आ जाती है इंडस्ट्री एंड कंपनी स्पेसिफिक, मतलब कि जो कंपनी अलग अलग कंपनियां इंडस्ट्रीज़ हैं उनके फंक्शंस अलग हैं। ठीक है, अगर हम इसमें एक ही अप्रोच लगा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो है रियल पिक्चर ये अप्रोच क्या करेगा, शो करेगा। राइट, नेक्स्ट गाइस, इसकी जो वीकनेस आती है थर्ड, वो आ जाती है आपकी सब्जेक्टिविटी। अब जो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस है ये किस अजम्पशन पे बेस्ड है, फेयर वैल्यू, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू और हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होगी मार्केट वैल्यू से तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे सिक्योरिटी को। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगी मार्केट वैल्यू से तो हम सेल कर देंगे। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल होगी तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ना सेल करेंगे ना बाय करेंगे, इज इक्वल टू नो एक्शन। ठीक है, सब्जेक्टिविटी में ये बताया गया कि मान लो अगर मार्केट में एक प्रोडक्ट की या हमारी सिक्योरिटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है, पर हम तो इंट्रिंसिक वैल्यू या मार्केट वैल्यू पे अटके पड़े हैं। ठीक है, उससे हम जो हमारी रियल पिक्चर है वो नहीं शो हो पाएगी कि सिक्योरिटी हमें बेनिफिट देगी या क्या करेगी, प्रॉफिट देगी या फिर हमें लॉस देगी, हम इससे ये पता अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। और गाइज, इसमें जो फंडामेंटल एनालिसिस में एक और चीज़ आ जाती है, वो कि ये लॉन्ग टर्म, आप इसमें वीकनेस और भी लिख सकते हो कि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, मैंने आपको बता दिया कि ये लॉन्ग टर्म नेचर होने की वजह से इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं इससे इस एनालिसिस को अडॉप्ट करने में। राइट, और इसमें लिख सकते हो जो एक और आपकी वीकनेस, आप लिख सकते हो कि इसमें जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, एक्सटर्नल टू मार्केट होती है। और इस मतलब आपकी जो मार्केट की जो इन्फॉर्मेशन आप फंडामेंटल एनालिसिस में यूज़ करते हो वो बाहर की होती है। ठीक है, क्या होती है, एक्सटर्नल टू मार्केट होती है। मतलब इसको कलेक्ट करने में, इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में आपको क्या आ सकती है, डिफ़िकल्टी आ सकती है, ये भी आपकी वीकनेस हो सकती है।
सो गाइज, आज की वीडियो में हमने देखा कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है. उसके गाइज हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े. ऑब्जेक्टिव के साथ साथ गाइज हमने क्या क्या पढ़ा है, इसमें हमने फेजेस पढ़े फंडामेंटल एनालिसिस के. 3 फेजेस पढ़े थे हमने, जो आपके थे एक इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस. उसके बाद गाइज हमने पढ़े अप्रोचेस पढ़े, 2 अप्रोचेस पढ़े थे. कौन कौन से पढ़े थे, एक पहला था टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, जिसमें EIC अप्रोच भी हम उसे कहते हैं, इकोनॉमिक इंडस्ट्री कंपनी. एंड उसके बाद हमने पढ़े बॉटम अप अप्रोच, जिसमें आपकी थी कंपनी इंडस्ट्री इकोनॉमिक, ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, जिस हिसाब से हमने डायग्राम्स बनाए थे वो भी आप क्वेश्चन में लिख के आओगे. उसके बाद हमने पढ़े एडवांटेजेस या फिर स्ट्रेंथ्स. एंड नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, वीकनेस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस. तो गाइज आज की वीडियो में अगर आपको फाइनल में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फंडामेंटल एनालिसिस का, जितना मैंने इस वीडियो में आपको बताया, ठीक है, जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आपको सारा का सारा लिख के आना है, विद जो आपको चार्ट था एक अप्रोचेस के साथ छोटा था एक फ्लो चार्ट बना हुआ था, वो भी आपको बना के आना है अपने एग्जाम्स में. तो अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो अप्रोचेस का भी आ सकता है या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस का भी आ सकता है, आप उस अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन जो है उसे फ्रेम कर सकते हो. तो गाइज आई होप सो आपको जो वीडियो है आज की वो अच्छी लगी होगी एंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी. तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड गाइज इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. और गाइज मैंने SAPM की मतलब कि सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सारी वीडियोस गाइज मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं गाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. और गाइज अगर आपको नोट्स चाहिए हो इसके तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, हैंड रिटन नोट्स. एंड सो गाइज मैंने फंडामेंटल एनालिसिस आपको तो इस वीडियो में बता दिया. और अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो आपका टेक्निकल एनालिसिस के साथ भी आ सकता है. मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उसकी भी आप वीडियो देख सकते हो. तो अगर मैं आपको बताऊं कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का भी जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकल एनालिसिस. एंड नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आ जाएगा 7.5 मार्क्स में या 15 मार्क्स में भी आ जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस. मतलब दोनों में आपको डिफरेंट पूछा जा सकता है 15 मार्क्स में, और 5 मार्क्स में भी गाइज आपको पूछा जा सकता है. तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही. होप सो गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. एंड गाइज अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना. इस वीडियो का टारगेट मैं लाइक का रख रही हूँ, 100 लाइक्स. मुझे पता है आप करवा दोगे, तो फटाफट से 100 लाइक इस वीडियो पर करा दो एंड अपने फ्रेंड्स तक गाइज शेयर ज़रूर कर देना. और गाइज किसी और सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई टॉपिक ना समझ आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी एंड आपकी हेल्प ज़रूर करूंगी. सो आप मुझे कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं समझ आ रहा या इस वीडियो में ही आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं. सो गाइज मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक. Thanks for watching this video guys and make sure to like, subscribe and share my channel for more videos like this.